नमस्कार, मैं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार के टॉप 5 गायक के बारे में। बात बिहार की हो और प्रतिभाओं का जिक्र ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। बिहार में प्रतिभाओं ने हर मोर्चे पर बिहार का नाम दर्ज किया है। बिहार में इन्हीं प्रतिभाओं में आज हम ऐसे बिहार के गायक के बारे में बात करेंगे जिनके गाने पर बिहारवासियों की खुशी तो झलकती ही है, साथ ही पूरे भारत में उनका बोलबाला देखने को मिलता है, जिसके तहत आज हम बात करने वाले हैं बिहार के ऐसे 5 गायक के बारे में जिन्होंने देश से लेकर विदेश तक बिहार का मान बढ़ाने का काम किया है। देश भर में ये गायक अपने गाने से सबको मनमोहित कर चुके हैं। देश भर में इन सिंगर के गानों पर लोग थिरकते नजर आते हैं। इतना ही नहीं, इनके गाने लोगों की जुबान पर भी हमेशा रहते हैं। इसके साथ ही पार्टी फंक्शन हो या कोई त्योहार, हमेशा इनके गानों की गूंज सुनाई देती है। इसी कड़ी में आज हम इस वीडियो में आपको ऐसे ही गायक के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने बिहार का नाम रोशन किया है, देश विदेश में भी अपने सुर बिखेरे हैं। इस कड़ी में हम सबसे पहले बात करेंगे शारदा सिन्हा की। घर में कोई पर्व त्योहार हो और शारदा सिन्हा के गाने की गूंज सुनाई न दे, ऐसा हो नहीं सकता। सिर्फ भोजपुरी फोक से नहीं बल्कि शारदा सिन्हा की आवाज तो बॉलीवुड में भी सुनी गई है। शारदा सिन्हा के गाए गाने आज भी लोगों के जहन में बने हुए हैं। मैंने प्यार किया फिल्म में उनके गाए गाने कहे तो से सजना ये तोरी सजनिया ने काफी सुर्खियां बटोरी है। इतना ही नहीं, इस गाने ने आज तक लोगों के मन में अपनी जगह बनाए रखी है। इसके साथ ही गैंग्स ऑफ वासेपुर में इलेक्ट्रिक पिया गाने ने इन्हें खूब सुर्खियां दिलाई। इस गाने के बाद बॉलीवुड में लोगों में शारदा सिन्हा को अलग अंदाज में पहचानना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, बिहार से निकली गायिका शारदा सिन्हा को 1991 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। साल 2001 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी पुरस्कृत किया जा चुका है। इसके साथ ही साल 2015 में बिहार सरकार की तरफ से सिनेमा यात्रा पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। इसके साथ ही साल 2018 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अब हम बात करेंगे प्लेबैक सिंगिंग में सबसे चर्चित नाम उदित नारायण के बारे में। जिनको ना पता हो हम उन्हें बता दें, गायकी की दुनिया में अपना लोहा मनवाने वाले उदित नारायण का वास्ता बिहार से ही है। उदित नारायण मूल रूप से बिहार के सुपौल जिले के बाईसी के रहने वाले हैं। उनके बेटे आदित्य नारायण टीवी के जाने माने एंकर और गायक हैं। वहीं उनकी पत्नी का नाम दीपा नारायण है। उदित नारायण ने अपनी पढ़ाई लिखाई भी बिहार से ही पूरी की थी। बिहार में रहकर ही उन्होंने SSC कम्प्लीट किया था। वहीं उन्होंने अपने मैट्रिक की पढ़ाई भी बिहार से ही पूरी की थी। उन्होंने लगभग अब तक 15,000 से अधिक गाने गाए हैं। उदित नारायण को अपने फिल्मी करियर में पापा कहते हैं, मेहंदी लगा के रखना, परदेसी परदेसी, चांद छुपा बादल में मितवा गाने के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके साथ ही उन्हें लगान फिल्म में मितवा और दिल चाहता है के जाने क्यों लोग, जिंदगी खूबसूरत है फिल्म के टाइटल सॉन्ग और स्वदेश फिल्म के ये तारा वो तारा गाने के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। उन्हें साल 2009 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अब हम बात करेंगे आदित्य नारायण के बारे में। आदित्य नारायण ने अपने गायन की कला का नमूना बचपन में ही पेश कर दिया था। बचपन में ही आदित्य नारायण ने बतौर गायक के रूप में काम करना शुरू कर दिया था। आई लव माई इंडिया, छोटा बच्चा समझ के हमको के जैसे गाने उन्होंने खूब गाए हैं। अब हम बात करेंगे दलेर मेहंदी की। पटना सिटी के रहने वाले दलेर मेहंदी ने अपनी आवाज देकर पॉप से लेकर बॉलीवुड में अलग पहचान बनाई है। दलेर सिंह, जिन्हें दलेर मेहंदी के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय गायक, गीतकार, लेखक और रिकॉर्ड निर्माता है। उन्होंने भांगड़ा को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाने में मदद की है, साथ ही भारतीय पॉप संगीत बॉलीवुड संगीत से स्वतंत्र है ये भी बताया है। वो अपने नृत्य गीत, आवाज, पगड़ी और लंबे के साथ साथ बहने वाले लुटेरे के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। मैग्ना साउंड ने 3 साल के लिए 3 एल्बम अनुबंध के लिए मेहंदी पर हस्ताक्षर किया था। बोलो तारा रारा मेहंदी की पहली एल्बम 20 मिलियन से अधिक प्रतियां इसकी बिकी थी। एल्बम ने दलेर मेहंदी को एक पॉप स्टार के रूप में स्थापित किया था, जिसमें उन्हें चैनल वी का सर्वश्रेष्ठ भारतीय पुरुष पॉप कलाकार पुरस्कार भी दिलवाया था। 1 साल बाद मैग्ना साउंड दर्दी रब रब के तहत उनका दूसरा एल्बम लॉन्च किया गया।
इनके सारे गाने मस्ती से भरे होते हैं। अब हम बात करेंगे ऐश्वर्या निगम की। ऐश्वर्या निगम बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के रहने वाले हैं। वो जी टीवी के सिंगिंग रियलिटी शो सारेगामा पा की खोज है। वो शो के दौरान ही एक बेहतरीन स्टार बन गए थे। उन्हें सलमान खान की दबंग फिल्म में मुन्नी बदनाम है गाने में प्लेबैक सिंगिंग के लिए मौका मिला था। ऐश्वर्या ने अपने कई हिट गाने गाए हैं। यूथ प्लेबैक सिंगिंग में उन्होंने अपना लोहा मनवाया है। निगम स्टार प्लस चैनल पर एक गायन प्रतियोगिता जो जीता वही सुपरस्टार के प्रतियोगियों में से एक थे। उन्होंने चैंपियंस टीम का प्रतिनिधित्व भी किया था। ऐश्वर्या कलर्स टीवी चैनल पर संगीत प्रतियोगिता शो आईपीएल रॉकस्टार के प्रतियोगियों में से एक थे। वो आईपीएल रॉकस्टार के शीर्ष 3 फाइनलिस्ट में से भी एक थे। वो सोनू निगम के बहुत अधिक प्रेरित हैं। उन्होंने सीजन 1 और 2 के लिए कितनी मोहब्बत है का शीर्षक ट्रैक गाया था जो कि एनडीटीवी पर एक डेली सोप धारावाहिक था। उन्होंने ललित पंडित अनु मलिक जैसे प्रसिद्ध संगीत निर्देशकों के साथ भी काम किया है जिसमें प्रीतम साजिद वाजिद शमीर टंडन का नाम भी शामिल है। इतना ही नहीं उन्होंने मारा रे सिक्सर मार भी गाया है। विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म फरारी की सवारी रणबीर कपूर द्वारा अभिनीत फिल्म बेशरम के हिट आइटम नंबर तेरे मोहल्ले को भी ऐश्वर्या निगम ने गाया है। इसके साथ आज के लिए बस इतना ही। आपके अनुसार बिहार से निकले किस गायक के गीत आपको सबसे ज्यादा पसंद है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।